स्पाइडरमैन इजिली मार्वल के सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर सुपरहीरोज में से एक है, जिसका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ कॉमिक बुक में ही नहीं बल्कि एनिमेटेड टीवी शोज और मूवीज के साथ साथ लाइव एक्शन में भी देखने को मिला है। अब जैसा कि इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें फाइनली तीन आइकॉनिक स्पाइडरमैन का हमें एक लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स देखने को मिल सकता है, कैसा होगा अगर आज के इस वीडियो में जस्ट एज अ फन हम इन तीनों स्पाइडरमैन की कमियों और खासियतों को एक दूसरे से कंपेयर करें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऑब्वियसली मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लाइव एक्शन वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन को ही कंपेयर करेंगे, जिसमें टोबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड आते हैं। इसीलिए स्पाइडरमैन का वीडियो गेम और एनिमेटेड मूवीज और टीवी शोज का पोर्ट्रियल काउंट नहीं होगा। दूसरी बात, मैं पर्सनली स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये तीनों के तीनों वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। एंड ऑब्वियसली इनमें बहुत सारी खूबियां भी हैं, तो इनमें नोटिसेबल कई सारी कमियां भी हैं। और इस वीडियो में इन्हें डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि मैं इन्हें नापसंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ सकते होंगे। खैर, बहुत बकबक हो गई। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन उसकी आइकॉनिक कॉस्ट्यूम ही उसे बनाती है, और अब तक हमें स्पाइडरमैन के न जाने कितने सारे सूट्स देखने को मिले हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें लाइव एक्शन बेस्ड स्पाइडरमैन सूट्स की, तो अब तक हमें तीन आइकॉनिक स्पाइडरमैन के चार आइकॉनिक स्पाइडरमैन सूट्स देखने को मिल चुके हैं, जिनमें अगर सबसे पहले बात करें टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम की, तो यहाँ पर ये सूट बेसिकली क्लासिक स्पाइडरमैन कॉमिक बुक का एक होमाज है, जहाँ पर इसकी ब्रॉड और विजिबल स्पाइडर वेब डिजाइन इसे क्लीन, क्लासिक और अग्रेसिव लुक देती है, जिसके कारण ये सूट आज तक आइकॉनिक है, जिसे पीटर खुद ही डिजाइन करता है। लेकिन मूवी के अंदर इस चीज को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि वो इसके लिए किन किन चीजों का जुगाड़ करता है। साथ ही साथ यहाँ पर पीटर पार्कर किसी प्रकार के मैकेनिकल वेब शूटर्स पर रिलाय नहीं करता है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट की, तो पहली मूवी के अंदर स्पाइडरमैन के सूट को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि ऐसा लग पाए कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने अलग अलग चीजों का जुगाड़ करके अपने सूट को डिजाइन किया है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सूट की डिजाइनिंग प्रोसेस को भी एक्सप्लोर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली मूवी का सूट स्पाइडरमैन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा फीका पड़ गया और ज्यादातर लोगों को ये डिजाइन पसंद नहीं आया, जिसके कारण इस चीज को सुधारा गया इसकी अगली मूवी में, जहाँ पर इसे उस समय के मॉडर्न स्पाइडरमैन कॉमिक बुक के हिसाब से रखा गया और इसकी आंखों को थोड़ा बड़ा बनाया गया, और यहाँ पर बेसिकली थिन और लीन स्पाइडरमैन के कॉन्सेप्ट को एम्ब्रेस किया गया। फाइनली बात करते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम की, तो यहाँ पर इसके वेब का डिजाइन बहुत ज्यादा अग्रेसिव या विजिबल नहीं है, फिर भी ये स्पाइडरमैन के क्लासिक कॉमिक कॉस्ट्यूम और सैम रेमी के स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम का एक होमाज लगता है, और इसके ब्लैक ब्रॉड आउटलाइंस इसे बहुत ही ज्यादा क्लीन लुक देते हैं, जिसके कारण पर्सनली डिजाइन वाइज ये मेरा फेवरेट सूट है। बस यहाँ पर दिक्कत स्पाइडरमैन के एडिशनल टेक्नोलॉजी की रिलायंस पर है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन खुद को अपने दम पर कई बार ताकतवर साबित कर चुका है, लेकिन स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम और उसके डिजाइन करने का प्रोसेस स्पाइडरमैन की ओरिजिन का एक बहुत खास हिस्सा है, जिसे हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से यहाँ पर टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन सूट विनर होना चाहिए, क्योंकि स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम अच्छा तो दिखना चाहिए ही, साथ ही साथ उसकी बेस कॉस्ट्यूम का मेन पर्पस उसकी आइडेंटिटी को छुपाना है, न कि उसकी एबिलिटी को एनहांस करना। तो इस राउंड का ये पॉइंट जाता है टोबी मैग्वायर को। स्पाइडरमैन की कहानियों का एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और वो है उसकी लव और रिलेशनशिप, जो स्पाइडरमैन को और भी ज्यादा ह्यूमन और पीटर पार्कर को और भी ज्यादा रिलेटेबल बनाती है, जहाँ पर इन तीनों के बीच में एक ही चीज को कॉमन दिखाया गया है, और वो है अंकल बेन के चले जाने के बाद उनका अपनी आंट मे के साथ सेटल होना। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें टोबी मैग्वायर के पीटर पार्कर की, तो यहाँ पर पीटर के पास उसके सारे के सारे कॉमिक बुक के स्टैंडर्ड दोस्त और रिलेटिव्स हैं, लेकिन यहाँ पर पीटर पार्कर और उसके रिलेशनशिप्स के डायनेमिक्स को बहुत अच्छे समझाया गया है। जहाँ पर हैरी के साथ उसकी बनती बिगड़ती हुई दोस्ती दिखाई गई है, वहीं पर एमजे के साथ उसकी चाहत और उसकी लव और कमिटमेंट वाली स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, और फाइनली उसकी आंट में उसके लिए हमेशा उसे सही रास्ता दिखाने के लिए होती थी। वहीं पर दूसरी ओर अगर बात करें एंड्रयू गारफील्ड के रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर उसके अंकल बेन के चले जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी आंट में थी, और लकली यहाँ पर पीटर पार्कर की ग्वेन स्टेसी के साथ सेटिंग हो गई, वरना वो बेसिकली एक लोनर ही था, और यहाँ पर ग्वेन स्टेसी के साथ उसका रियलिस्टिक रोमांस और केमिस्ट्री बहुत हद तक उसके लिए काफी था, लेकिन फिर भी ये पीटर की लाइफ को बोरिंग बनाने से नहीं रोकती। आगे अगर बात करें फाइनली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, तो अगर कंपटीशन को बराबर रखने के लिए हम यहाँ पर उसकी टोनी स्टार के साथ रिलेशनशिप को काउंट ना करें, तो यहाँ पर टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के पर्सनल रिलेशंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जहाँ पर उसकी आंट मे के साथ साथ उसकी एक बहुत अच्छी खासी रिलेशन और केमिस्ट्री उसके क्लासमेट्स
उसके बुली फ्लैश थॉम्पसन और उसके बेस्ट फ्रेंड नेड के साथ साथ एमजे के साथ भी है। और यही पीटर पार्कर का हाई स्कूल का रियलिस्टिक यंग अप्रोच बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक, कंफर्टेबल और होमी फील देता है, जो पिछले दोनों स्पाइडरमैन में से थोड़ा मिसिंग था। लेकिन फिर भी टोबी मैग्वायर के रिलेशनशिप के डायनेमिक्स भी अपनी जगह पर बहुत सॉलिड थे, इसीलिए इस राउंड में हम टोबी मैग्वायर और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन दोनों को चुनते हैं। स्पाइडरमैन को एक आइकॉनिक सुपरहीरो बनाने के पीछे उसकी पर्सनल और सुपरहीरो लाइफ के बीच में चल रही जुगलबंदी भी है, जो पीटर पार्कर के बहाने ही साबित करता है कि सुपरहीरो होना कितना मुश्किल हो सकता है। और इन्हीं सारी चीजों का बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिला टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन मूवीज में, जहां पर पीटर की पर्सनल लाइफ की हालत बहुत पतली है, जिसके कारण जो सुपरहीरो पलक झपकाते ही एक बिल्डिंग की छलांग लगा सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ आम आदमी के बीच में दबी हुई है, जो रियलिस्टिकली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करता है। लेकिन बावजूद इसके भी वो अपने पर्सनल और सुपरहीरो लाइफ दोनों का ख्याल खुद रखता है। और सेकंड मूवी के अंदर यही स्ट्रगल उसके लिए इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि वो एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना सूट भी रख देता है। और यही चीज हमें बिल्कुल कॉमिक बुक के स्पाइडरमैन की तरह उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक इनसाइट देती है। दूसरी ओर अगर बात करें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की, तो यहाँ पर स्पाइडरमैन की पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल के बजाय इमोशनल स्ट्रगल को दिखाया गया है, और वो अपना ज्यादातर समय अपने सवालों को जवाब ढूंढने में निकालता है। और अगर फाइनली बात करें यहाँ पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, तो यहाँ पर उसके पर्सनल लाइफ या ओरिजिन के बारे में हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है, और उसकी पर्सनल लाइफ का ज्यादातर हिस्सा उसके स्कूल लाइफ का ही दिखाया गया है। और यहाँ पर भी पीटर के अपने स्कूल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ के बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाए गए हैं, लेकिन उसे असिस्टेंस मिल ही जाती है। प्लस हम यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अभी बहुत ही यंग है और उसकी कहानी अभी नई है, तो क्या पता फ्यूचर में उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पहले दोनों स्पाइडरमैन का इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल होने के बावजूद भी उनका अपने फर्ज को निभाना उन्हें इस राउंड का विनर बनाता है। हर सुपरहीरो को हीरो उसका विलन ही उसे साबित करता है। और यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन के भी अपने कई सारे सिंपैथेटिक विलन देखने को मिले हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं कि किसके विलन सबसे ज्यादा शानदार थे। बात करें अगर सबसे पहले टोबी मैग्वायर के विलन की, तो यहाँ पर सैम रायमी की स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर विलन को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, जहाँ पर इनके ओरिजिन और मोटिव को ऑडियंस के सामने रखा गया है, जिसके कारण इनसे भी एक सिंपैथेटिक जुड़ाव होता है। साथ ही साथ पीटर पार्कर के साथ इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के कारण भी पीटर अपने मॉरल्स को अपराइट रख पाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के विलन्स के बारे में, तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी मैच्ड अप दिखाई गई है, जहाँ पर पहली मूवी के अंदर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के विलन के मोटिव तो बहुत हद तक अंडरस्टैंडेबल थे, लेकिन सेकंड मूवी के अंदर ये चीज मैच्ड अप हो गई और विलन्स भर भरा कर आने लगे। और बेसिकली कॉमिक बुक के इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन और राइनो जैसे बड़े स्पाइडरमैन विलन के होने के बावजूद भी इन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। अब फाइनली बात करते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, तो यहाँ पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू की मेन मूवीज के अंदर भी कई विलन से निपट चुका है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ उसके सोल विलन के बारे में, तो हमें अब तक वल्चर और मिस्टीरियो ही देखने को मिले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, और इन दोनों ने ही एक लेवल पर पीटर के एमेच्योर दिमाग के साथ खेला भी है, और पीटर को अपना कोर स्ट्रेंथ एम्ब्रेस और यूटिलाइज करने पर मजबूर भी किया है। एंड ऑफ कोर्स इन विलन की रियलिस्टिक मोटिव ही इन विलन को बहुत ज्यादा औसम बनाती है। खैर यहाँ पर अगर फाइनली रिजल्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बार फिर से टोबी मैग्वायर और टॉम हॉलैंड के विलन्स ही इस राउंड को जीतेंगे। अब चलिए फाइनली बात करते हैं कि अपनी ग्रेट पावर्स के साथ कौन ज्यादा बेहतर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में। सो रिगार्डलेस ऑफ सूट, लुक्स एंड एजेस, तीनों के तीनों पीटर पार्कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाना जानते हैं, और साथ ही साथ इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते तीनों के तीनों बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस भी देने को रेडी होते हैं। और अगर कुछ अलग अलग खासियतों के बारे में बात भी की जाए, तो यहाँ पर टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन का अप्रोच बहुत ही ज्यादा सीरियस और रियलिस्टिक होता है। दूसरी ओर एंड्रू गारफील्ड का अप्रोच बहुत ही ज्यादा फनी और क्वर्की था, और तीसरी ओर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का अप्रोच बहुत ही ज्यादा न्यू और ईगर टू लर्न था। फिर भी वो बड़े बड़े खतरे उठाने से कहीं भी कतराया नहीं, और वो टोनी स्टार्क के साथ टाइटन तक चला गया। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये पिछले स्पाइडरमैन भी करते अगर उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती। बात करें अगर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्पाइडरमैन अपने इंटेलिजेंट के दम पर अपनी गिवन सर्कमस्टेंसेस और प्रॉब्लम से निकलना जानते हैं। वहीं पर अगर बात करें स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक फील की, तो यहाँ पर पिछली आई सैम रायमी की स्पाइडरमैन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन में ये देखने को मिलता है, लेकिन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर हमें ओवरऑल मार्वल का फील देखने को मिलता है, और ये दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगहों पर बहुत खास हैं। इसीलिए इन सारे के सारे स्पाइडरमैन की अपनी अपनी खासियतें होने के कारण
यहाँ पर ये तीनों के तीनों पीटर पार्कर इस राउंड के विनर हुए। सो गाइज ऑब्वियसली मेरे एनालिसिस से ये बात क्लियर है कि इन तीनों में से सबसे बेहतरीन टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन ही है, लेकिन मैं ये भी बात मानता हूँ कि ये तीनों के तीनों स्पाइडरमैन के रूप में अपनी अपनी जगह पर बहुत खास हैं। एंड अगेन डू कीप इन माइंड मैं इन तीनों स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। और अगर आपको मेरी आज की इस वीडियो में बताई हुई ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।